तो ही व्हाट्स अप बॉयज एंड गर्ल्स, तो दोबारा हम आ चुके हैं लास्ट वाइल्ड वाले गेम का फिफ्थ वाला पार्ट लेकर। खैर अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट वाइल्ड वाले गेम का फोर्थ वाला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहीं पे लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि इस वाले पार्ट में जो है मैं एलिजाबेथ को जरूर बचाऊंगा, बट लास्ट में मेरे साथ एक बहुत ही गंदे तरीके का स्कैम हो जाता है जो आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा। सो लेट्स गो। तो चर्च के सामने जो ग्राउंड था उसके साइड में मैं थोड़ा नजर मारता हूँ एंड ये देखो गाइस, भाई साहब ये क्या है ब्रो, फांसी में लटका दिया है भाई। और देख के जितना लग रहा है ये सालों से लटक रहे हैं, जिसके दौरान इन लोगों का सिर्फ स्केलेटन ही बचा है। तो उसके बाद मैं जब थोड़ा सामने की तरफ जाता हूँ तभी मेरे साथ मुलाकात होता है ये बो वाले स्केलेटन के साथ। बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज देता है, इसको तो पहले खत्म करना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलो ये गया, अभी ना हम यहाँ पे आराम से जा सकते हैं, बट एक सेकंड के लिए इन लोगों को एक बार देखो भाई साहब, क्या ही डरावने लग रहे हैं। और इन लोग का कपड़ा देख के मेरे को जो लग रहा है ना, ये लोग पायरेट्स ही थे शायद। खैर अभी तो इस रेड बैरल को तोड़ के देख लेते हैं कि इसमें क्या मिलता है। वाह, पानी का बोतल और एक लेदर। तो देखते देखते यहाँ पे सनसेट हो जाता है और सनसेट के बाद रात भी हो गया। और रात के टाइम पे मेरे को दिखता है एक अजीब तरीके का प्राणी, बोले तो जायंट स्पाइडर, जो कंटिन्यूअसली अपने पिछवाड़े से मारे तरफ पॉइजन मार रही थी। धत साला तुम्हारी ऐसी की तैसी। खैर इसने क्या ड्रॉप किया है पहले वो देखते हैं। ब्लूप्रिंट तो मिल रहे हैं बट और क्या है ये, क्या है ये, तो और भी टट्टी चीज है। मकड़ी के नाम पे कलंक है कलंक, दूसरी बार अपना मुंह धो के आना। स्पाइडर के पास तो मेरे को कुछ अच्छा चीज नहीं मिला, मैंने एक्सपेक्ट किया था इसके घर से तो कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल जाएगा, पर इस रेड बैरल को तोड़ने के बाद मेरा सारा कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाता है। भले ही पानी का दूसरा नाम जीवन क्यों ना हो, मतलब इसका मीनिंग ये नहीं है कि किसी को पानी खिला के ही मार दो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ऐसे ही दोबारा देखते देखते यहाँ पे रात भी खत्म हो जाता है और सुबह होने के तुरंत बाद ही मैं इस जगह से 9-11 हो जाता हूँ और सीधा मैं पहुँचता हूँ अपने घर में। तो इतने सारे ब्लूप्रिंट हो जाने के बाद मैं फाइनली बॉम्ब का ब्लूप्रिंट लेता हूँ और मैं फटाफट से इजीली एक बॉम्ब भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। फिर मैं सीधा पहुँच जाता हूँ केव के पास जहाँ पे हमारी महबूबा मतलब एलिजाबेथ फंस गई है। खैर तो अभी लगाते हैं आप पे बॉम्ब और फोड़ते हैं इस जगह को। ओहो यहाँ पे टाइमर भी स्टार्ट हो गया है, यहाँ से निकलते हैं नहीं तो हम फूट जाएंगे। चलो फाइनली ये रास्ता अभी खुल चुका है, वही फटाफट से इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं वो बेर आखिर गया कहाँ। ओ तेरी ये तो पूरा टनल है यार, हैं इसके अंदर भी लोडिंग ले रहा है। फाइनली इसके अंदर तो अभी हम आ चुके हैं बट ये जगह देखो यार, क्या ही ऑसम लग रहा है। और ये वाहियात सा साउंड कौन निकाल रहा है यार। खैर कुछ भी बोलो ये जगह तो मेरे को काफी ऑसम के साथ इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। अरे भाई 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 मैं फिसल गया। ओ नो, मतलब यार यहाँ पे है भाई, नहीं लिटरली यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि साउंड कहाँ से आ रहा है, मतलब बेयर उस ब्रिज के नीचे ही था यार। खैर इसके बाद मैं जब रिस्पोन होता हूँ तभी मेरे इन्वेंटरी के सारे आइटम्स उठाने के लिए मेरे को कंटिन्यूअसली एड्स देखना पड़ता है और आखिर तक मैं अपने इन्वेंटरी का सारा सामान उठा लेता हूँ। और अभी टाइम है इस बेयर का खटिया खड़ी करने का। मेरे जैसे शुद्ध शाकाहारी इंसान को तूने अपने पंजों से मारा है, इसका बदला तो हम जरूर लेके रहेंगे। ससुरा 300 HP लेके इस नन्ही से जान के ऊपर हमला करोगे? अरे हिम्मत है तो बराबर के लोगों से क्यों नहीं लड़ते। हाँ ये देखो ससुरा बछड़े की तरह भाग रहे हैं, अभी तो और जलन सहना पड़ेगा फिर तुम्हें जाके मुक्ति मिलेगा। बड़े आए थे मारे को पेलने के लिए, अब लाइव टेलीकास्ट अपना आपका दिखा दिया ना। खैर इस बेयर को निपटाने के बाद मैं सीधा सामने की तरफ बढ़ता हूँ जहाँ पे मेरे को एक गेट मिलता है जिसको तोड़ा जा सकता है। और ये देखो ससुरा वही घिसा पिटा स्केलेटन वापस आ गया। भाई ये कहाँ से आते हैं यार, भाई काम धंधा नहीं है, एक अजीब सा साउंड निकाल दिया और झापड़ मारने आ गई, भाई कहाँ से आते हैं ये लोग। चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से सामने की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो और एक आ गया। चलो ये भी गया, बट उस साइड में है क्या? अच्छा तो यहाँ पे रेड बैरल है, चलो इसको तोड़ के ही देख लेते हैं। टट्टी चीज तो मेरे को पहले से ही मिल रहा है और यहाँ पे भी कुछ मिल जाएंगे। अरे दोबारा इस स्केलेटन आ गए भाई, ये क्या है यार, बट ये है कहाँ पे? अच्छा तो इस फेंस के पीछे। तू रुकियो बेटा वहीं पे, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे को फेंस के अंदर से मारेगा? अभी बहुत गला फाड़ लिया, अब सीधा अपने दोस्तों के पास जा। लिटरली यार इन लोगों के चक्कर में अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहा। खैर अब ये कहाँ आ गया मैं, ये जगह तो मेरे को काफी सही लग रहा है यार। हुँ। हुँ।
ओ तेरी, यहाँ पे तो ज़ॉम्बी भी है। आई थिंक मेरे को शायद उस प्लेटफॉर्म के ऊपर फर्स्ट जंप करना पड़ेगा। चलो मैं अभी तैयार, अभी लगाते हैं जंप। और ये फाइनली आ गया। और इस ससुरा को देखो भाई, अटक गया है। आखिर ये ज़ॉम्बी एक जगह में अटक काहे को जाते हैं? तुमको पोलियो हो गया है का? अभी हम एकदम पूरी तरीके से तैयार हैं, मतलब जोश में एकदम होश खो बैठे हैं। और ये लगाया मैंने लॉन्ग जंप। अरे मैं तो बेवजह गिर गया, मेरे पीछे कोई है का? अरे मैया, अरे अब तो हम मर गए। अरे देखो ज़ॉम्बी ससुरा, मारे को टच मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यार। आखिर मारे को मार के तुमको कहाँ मिलेगा? अरे शरीर में हड्डी ही नहीं बचे हैं तो चमड़ी खा उधेड़ोगे। चलो ससुरा आखिर मर गया। एक सेकंड में तो मैंने ऐसा सोच लिया था कि अब तो मैं गया, पर हमारा लेवल अलग है यार, हम पीरो प्लेयर हैं। ठीक है, खैर अभी चलते हैं यहाँ से बाहर। अरे अब ये कौन आ गया? अच्छा तो तुम उसके फ्रेंड हो, हम समझते हैं तुम्हारी फीलिंग, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। हाँ अब भेज देते हैं तुमको उसके पास, चलो टाटा। खैर उसके बाद मैं इन पिलर्स के ऊपर जंप लगाते लगाते फाइनली यहाँ पे पहुँच जाता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली अचानक से एक पंपकिन स्केलेटन मेरे पीछे से आके मेरे को धक्का करने के साथ साथ मेरे को फ्री टिकट ऊपर भी भेज देता है। बट ये क्या लिखा हुआ है, फ्री? और एड्स देख लेने के बाद मेरे को मिल जाता है और एक फ्री लाइफ। अब इसकी तो खैर उसके बाद मैं जब सामने की तरफ बढ़ता हूँ तो दोबारा मेरे को एक पंपकिन स्केलेटन देखने को मिलता है, जिसको मैं बहुत ही आराम से टू शॉट कर देता हूँ। देन मेरे को यहाँ पे एक जंग लगा हुआ लोहे का गेट देखने को मिलता है, जिसको मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा था, बट ये पर्टिकुलर किसी लीवर के द्वारा ही खुल सकता है। एंड फाइनली इस साइड आने के बाद मेरे को एक रूम के अंदर वो वाला लीवर मिल जाता है, जिसको घुमाने के बाद ये दरवाजा बहुत ही आराम से खुल जाता है। और यहाँ पे आने के बाद मेरे को दोबारा वही पंपकिन स्केलेटन मिलते हैं, जिन लोगों को मैं बहुत ही आसानी से खत्म करके सामने बढ़ता हूँ। और यहाँ पे मेरे को वही सेम फेंस मिलता है जिसको तोड़ा जा सकता है। फिर मैं जब इन फेंस को तोड़ के इसके अंदर एंटर करता हूँ एंड फाइनली यहाँ पे मेरे को वो एंकर मिल ही जाता है। चलो एंकर तो मेरे को मिल गया है, ये तो मेरे पास क्लियर है, बट जिसके लिए मैं यहाँ आया था वो कहाँ है? मतलब तुम लोग एक तरफा समझ सकते हो कि मैं एलिजाबेथ के लिए ही यहाँ पे आया था। मतलब गेम में कुछ भी हो रहा है यार। अब ये क्या है, ये तो नीचे चला गया और ये पिलर भी डाउन हो रहा है यार, मतलब ऊपर कुछ ना कुछ है। अबे यार ये लोग फिर से आ गए भाई। चलो अब इस वाले पहिए को भी घुमाते हैं। हाँ ये नीचे आ रहा है। अरे ये स्केलेटन्स वापस आएंगे? अच्छा तो ये पिलर जितनी बार नीचे की तरफ डाउन होगा उतनी बार ही स्केलेटन्स आएंगे। चलो अभी और एक ही बचा है, इसको घुमाते हैं, देन शायद एलिजाबेथ ऊपर हो। व्हाट द, मतलब मैं यहाँ पे बेकार में ही इन लोगों के साथ लड़ रहा हूँ। और ये ट्रेजर, इस ट्रेजर में मैं 100% गारंटी देके कह सकता हूँ टट्टी चीजों के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तुम सिर्फ देखते रहो, अगर घटिया चीज नहीं मिला ना तो मैं अभी के अभी गेम अनइंस्टॉल कर दूंगा, क्योंकि आज तक मेरे को सभी ट्रेजर में घटिया से घटिया चीज ही मिले हैं। और ये तुम्हारे सामने हाजिर है भाई, मेरे को पता था इसमें फालतू की चीजें मिलते हैं और मिलने वाले हैं। खैर मैं जिसके लिए आया था, अगर वही नहीं मिली तो इससे बुरा और क्या हो सकता है यार। अबे साले एक सेकेंड, ये वाला जगह तो मेरे को जाना पहचाना सा लग रहा है, बट मैं अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से और हम कतई नहीं जा सकते। अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है और वो है यहाँ से छलांग लगाना, सो लेट्स गो। अरे ये क्या हो रहा है, ये ग्रेविटी कहाँ चली गई भाई? मैं तो खिसकता ही जा रहा हूँ, नीचे कब गिरूंगा? ओ तेरी, यहाँ पे लोडिंग भी ले रहा है भाई, वाह। चलो आखिर तक सेफली नीचे आ गए। तो फाइनली इस वाटरफॉल से बाहर निकलने के बाद मैं सीधा पहुंच जाता हूँ अपने घर में एंड फाइनली एंकर के साथ साथ मैं अपने शिप का लेवल अप भी कर देता हूँ। चलो फाइनली 5 लेवल तो हो गया, अभी 6 लेवल तक लेके जाने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, बस इतना ही? ये तो मेरे पास भर भर के पड़े हैं। तो सारे सामान मेरे पास रहने के दौरान मैं दोबारा अपने शिप का लेवल अप कर देता हूँ।
तो शिव का लेवल अप करने के बाद ही मेरा सीधा नजर जाता है उस क्रॉस की तरफ। आखिर क्या है वहाँ पे? अबे जल्दी चलो रे, स्पीड बढ़ाओ। चलो आखिर तक यहाँ पे पहुंच ही गए हैं, पर कुछ भी बोलो ये जगह बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ देख रहे हो भालू है। अरे मैया, ये तो वही ऑक्टोपस है ना जो फर्स्ट पार्ट में एक पायरेट को मार दिया था। वहां पे डिस्टेंस दिखा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ है शायद। हाँ हाँ, मेरे को वहां पे कुछ दिख रहा है, बट क्या है ये? ओ तेरी, ये तो कैनन्स हैं। अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि इस तीनों कैनन से ना उसको डिफीट करना पड़ेगा, और इन कैनन्स को चलाने के लिए मेरे को इन सब चीजों की सख्त जरूरत पड़ेगी। खैर गाइस, लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो किसी भी तरीके से मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।